किरण शिक्या कहलाता है। मैं अभिमन्यु के लिए रूही का पापा बनने वाला डिसीजन जो है, यानी कि अरुही से शादी करने वाला डिसीजन, वो लेना आसान नहीं होने वाला है, बल्कि उस पर एक और कंडीशन रखती नजर आने वाली है अरुही जी। हाँ, जहां पर इमोशनल होकर या कह सकते हैं कि रूही के लिए प्यार को लेकर अभिमन्यु अरुही से शादी करके और रूही के पॉपी से पापा बनने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन आरोही इस बड़े फैसले को सबके सामने लाने से पहले एक बड़ी कंडीशन रखने वाली है, और वो बड़ी कंडीशन ये होगी कि अगर एक बार रूही के पापा बन गए अभिमन्यु, तो वो अपने कदम पीछे नहीं ले सकते हैं, भले ही कोई भी उनके सामने क्यों ना आ जाए। और आरोही का डायरेक्ट इशारा था अक्षरा की तरफ कि अगर अक्षरा उनकी लाइफ में वापस आना चाहे किसी भी रीजन की वजह से, तो वो आरोही से शादी करने का जो अब वादा सबके सामने करने वाले हैं वो नहीं तोड़ेंगे, और रूही के पापा हमेशा हमेशा के लिए बनकर रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे रूही बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे इस रिलेशन के बारे में उसे और समझ में आने लगेगा। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखने वाले हैं कि अक्षरा काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, अक्षरा के साथ साथ अमीर और अभिनव भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे उदयपुर जाने के लिए, लेकिन कायरव की छोटी सी बातें अक्षरा का दिल दुखाने वाली है और अक्षरा की आंखों में आंसू लेकर आने वाली है। साथ ही साथ हम ये भी शिक्षा हिलाते की कहानी को जब पलटते हुए देखेंगे, उसमें एक नए ट्विस्ट को एंट्री लेते हुए देखेंगे, तब उस ट्विस्ट के साथ अभिमन्यु को पता लगने वाला है कि अक्षरा लौट आई, ना केवल अभिमन्यु को बल्कि पूरी बिरला फैमिली को पता लगने वाला है कि अक्षरा लौट आई है। और अक्षरा के लौट आने के बाद अभिमन्यु तब भी मिम्मी का बर्थडे करना चाहेंगे सेलिब्रेट। तो आप देखने वाली बात ये होगी फैंस की, जहां पर अभिमन्यु ने जो वादा किया होता है मिम्मी की बर्थडे स्पेशल मनाने का, वो अपने वादे पर अटल रहेंगे, लेकिन अब मंजरी मां नहीं चाहती है कि अभिमन्यु ने जो इतनी मुश्किल से फैसला लिया आरुषि से शादी करने का, वो तोड़ दे जाने के लिए। स्टार्स की शीर्ष का क्या लगातार देखते रहिए, क्या आखिरकार कहानी किस तरह से पलटेगी और क्या क्या ट्विस्ट आएंगे।